31 में आपसे क्या पूछा गया भैया? तो देखिए, आप इस कहानी को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ओ सी एच ओ और यहाँ पे ये दिस वन ओ सी एच टू सी एच ओ, थोड़ा सतर्क रहिएगा, ये आपका ऑप्शन है पी एस सी एच टू ओ सी एच ओ। तो ध्यान से देखो बेटा, ये एस्चर है, ये आपका इथर नजर आ रहा है, पक्का हम इसको देख के जज कर सकते हैं कि हमें क्या चेक करना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन होना चाहिए फंक्शनल आइसोमर। अगला एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आपका ब्रांच हो जाएगा, ये आपका 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दो बार ब्रांच हो जाएगा, पर ये आपका होगा इथल और ये आपका होगा मिथल। तो इथ और मिथ, इसको देख के हमें समझ में आया कि भैया संभल के रहना, 1 2 3 4 5 आपका कॉम्बिनेशन इस तरह से अवेलेबल होगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से रहना चाहिए। तो आपके पास में यहाँ पे आंसर कॉम्बिनेशन में आना चाहिए चेन आइसोमर, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो 5 कार्बन बराबर है और इथ मिथ का पंगा, तो ये चेन आइसोमर फीलिंग दे रहा है। ये एग्जाम्पल देख के लग रहा है 1 2 3 4 5 यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लकीली आपको देख के लग रहा है कि सर ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, तो पक्का ध्यान से पोजिशन आइसोमर। और जो अगला एग्जाम्पल है उसमें आप देख के वैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे सी से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द थीम ऑफ सी ओ एच, गॉट द पॉइंट, ये आपका सी ओ एच ग्रुप कहलाएगा, ये आपका सी ओ ओ कहलाएगा। तो भैया ये वाला पार्ट आपका एसिड एस्टर है, तो अगेन ये फंक्शनल के रूप में ही आ रहा है, तो कहीं कोई सेटिंग ऑप्शन हो रही है। आपके पास जो सबसे बेस्ट चॉइस होना चाहिए वो होना चाहिए 3 1 2 3, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे 3 1 2 3 ऑप्शन ही नहीं है, एक्चुअली डेली आंसर दिया गया, तो मॉडिफिकेशन करूंगा मैं इसको, 3 1 2 3 ये आपका आंसर आना चाहिए। आपका आंसर डेली है, बट द आंसर मॉडिफिकेशन होना चाहिए, एक से 3 1 2 3, ओके। तो ये फंडा आपको ध्यान रखना है ताकि आपको यूज करने में आसानी रहे, मैं मॉडिफिकेशन भी कर रहा हूँ इसको। अगला एग्जाम्पल पूछा आपसे डाइब्रोमोफिनाइल के कितने आइसो पॉसिबल है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा इस कहानी के लिए, कैसे डील करना अपन बात कर लेते हैं बाइफिनाइल के ऊपर। आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, दिमाग नहीं लगाने का। अब आपके पास ऑलरेडी ब्रोमीन अवेलेबल, तो सोचो एक बार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, लकीली इतना तो आप कॉम्बिनेशन वैसे ही बना सकते हो, बिकॉज आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है। अब आगे की बात करते हैं, इसके सिवाय क्या हो सकता है। देखिए यहाँ ब्रोमीन जोड़ रहा हूँ मैं, तो उस समय फिर आपके पास ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना ये आप लॉक कर चुके, तो इस लोकेशन और इस लोकेशन पे जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिपीट माना जाएगा। 7 के बाद ये आपका 8, ये आपका 9, उसके बाद ये आपका 10, ये आपका 11, और अगर आपने, अच्छा फिर भी पंगा होगा, आपने यहाँ जोड़ दिया तो इधर जोड़ने पर ये भी रिपीट होगा, तो ये वाला लोकेशन भी आप जोड़ नहीं सकते, तो भैया ये कैंसिल, ये आपका 10 और ये आपका 11 होगा, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल होगा उसमें जस्ट आमने सामने रख देना, क्योंकि आपकी ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये लोकेशन लॉक है। वैसे यहाँ की लोकेशन भी चूंकि हम कहीं रिपीट कर चुके हैं, तो आपके पास किले की कॉम्बिनेशन बचेगा 12। देख सकते चॉइसेस 12। अगर आपको लगता है कि सर मैं पहली बार में क्लिक नहीं कर रहा है, तो आप है ना एक बार बना के चेक कर लो, जैसे आप यहाँ 5 जोड़ो या यहाँ 5 जोड़ो, मेरे लिए सेम है, तो हम उसे रिपीट काउंट नहीं करेंगे। यहाँ बनाओ, सेम रिपीट काउंट नहीं करेंगे। अब आप बोले सर मैं यहाँ जोड़ूँ, तो बेटा यहाँ जोड़ने पर आपने ऑलरेडी ये वाला लोकेशन ले रखा है, तो मैं ये वाला काउंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन चीज़ों को इनएक्टिव कर रहा हूँ, समझ लो, जिनको मैंने डार्क बनाया है उनको मैं इनएक्टिव कर रहा हूँ, यानी इस जगह पर जोड़ोगे तो दैट विल बी रिपीट। जैसे अभी यहाँ पे और यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि यहाँ जोड़ना या वहाँ जोड़ना दैट इज रिपीट। एक बार तो दिमाग लगाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, देख से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, मस्त थीम है, ध्यान रखने लायक क्वेश्चन। अगले बात कर सकते हैं, आपके पास में क्या पूछा, दे आर द चेन आइसोमर, चेक करते हैं चेन आइसोमर के रूप में क्या यूज कर पाओगे। तो भैया देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो पोजिशन की फीलिंग दे रहे हैं, ये आपका 6 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन पक्का है, चेन आइसोमर फीलिंग दे रहे हैं, ये तो मेरे हिसाब से डिफिशियंसी का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो आइसोमर ही नहीं कहलाएंगे। और इस कहानी में आपने 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 रखा, तो बेटा 3 मिथाइल 2 मिथाइल पक्का पोजीशन की फीलिंग आ रही है, तो एट द एंड हमारा आंसर तमिल से बॉम्बे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना, तो भैया ध्यान से देखिए, कहीं दिमाग दिल लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी 1 2 लोकेशन है, ये भी 1 2 पोजीशन है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल बोलो, बिकॉज वी कैन से देख से ऑर्थो, ये भी 1 3 ऑप्शन है, ये भी 1 3 ऑप्शन है, ऑफकोर्स ये क्या कहलाएंगे, दे आर द मेटा, और ये आइडेंटिकल ही होंगे, और ये दोनों तो पक्का ये पोजिशन आइसोमर दिख रहे हैं, बिकॉज ये 1 4 है और ये 1 3, इवन हम इसका नाम भी बोल सकते हैं, पहले वाले का नाम है टेरेफ्थेलिक एसिड,
सेकेंड वाले का नाम है आइसोथेलिक एसिड, दे आर द पोर्शन। तो भैया बोल सकते हैं फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिकल, थर्ड इज आइसोमर, एक्चुअली थर्ड इज पोजिशन आइसोमर, ज्यादा परफेक्शन लेके आइए। आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए, बिंदास। अगला एग्जाम्पल आपके सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है, कैसे जज करना है तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे सीओएच के साथ अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो ये आपका वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर, पर वेट करिएगा, पंगा ले रहे हो, क्योंकि वन इसको लिखने के बाद एक्चुअली ये पूरा जखीरा कहलाएगा, वो भी एक जखीरा कहलाएगा। एक बार पर इसको रोटेशन कर ले तो आपको थोड़ा समझ में वैसे ही आ जाएगा कि वन के बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, अब वन के बाद टू आ रहा है, अब यहाँ देखो वन के बाद टू, थ्री आ रहा है। तो भैया ऐसे समझ में आ गया कि ये पोजिशन आइसोमर है, क्योंकि लोकेशन अलग अलग नजर आ रही है हम इस कहानी के हिसाब से। आप चाहो कि ए की रिंग ली, आप फ्री चॉइस, आप यहाँ से ए बी सी कर लो, ये लो क्या फर्क पड़ रहा है, ये ए बी सी डी ई एफ कर लो, यहाँ करोगे तो ये ए बी सी, तो बेटा ए सी कॉम्बिनेशन, ए बी कॉम्बिनेशन, वैसी पोजिशन की फीलिंग आ रही है। अगला क्वेश्चन हम बात करना चाहेंगे कुछ इस तरह से, क्या करना चाहिए इस कहानी में। तो भैया देखो ध्यान से, इस कहानी के अंदर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है पक्का डिफरेंट कंपाउंड, यानी आप ट्रू बोल सकते हो। इस कहानी में क्या करना, तो बेटा यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पर इथाइल, आपने एल्कल ग्रुप चेंज किया, पक्का है ट्रू कहलाएगा। यहाँ पर एल्कोहल, यहाँ पे इथर, तो भैया यहाँ फॉल दी कर दी, ये फॉल्स, क्योंकि ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। और लास्ट एग्जाम्पल में ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, वैसे समझ में आ गया कि सर 3 डिग्री नाइट्रोजन और 2 डिग्री नाइट्रोजन एक दूसरे क्या कहलाएंगे, सर पक्का फंक्शनल, यानी ये ट्रू फॉर्म कहलाएगा। तो TTFT, दैट इज योर आंसर। अगले पे बात करते हैं, क्या करना है भैया, तो आपके पास ऑप्शन देखते हैं क्या, नॉट रिलेशनशिप पूछा, तो भैया देखो ध्यान से, ये ओ एच और ये ओ एम ई, आपको देख के लग रहा है फंक्शनल होगा, ये ओ एम ई, ओ एच, ये आपका फंक्शनल हो सकता है, कार्बन देख लेना, वन टू थ्री, तो वन टू थ्री बराबर दिख रहा है, यहाँ पे वन टू थ्री, ये भी फंक्शनल की फीलिंग दे रहा है। आप सुनो फर्स्ट सेकेंड फंक्शनल सही बात है, पर ध्यान रखना उसने नॉट पूछा है। सेकेंड एंड फोर्थ आर मेटामर, तो बात कर लेते हैं सेकेंड और फोर्थ मेटामर, सेकेंड में मिथाइल दे रखा है, यहाँ पे पूरा जखीरा, यहाँ पे ऑफकोर्स मेटामर है। फर्स्ट फोर्थ आर पोजिशन, भैया यहाँ फंस गए, ओ एच और इथर, यहाँ पे गलती, यही आपका आंसर होना चाहिए, बिकॉज योर आंसर इज सी, नॉट पूछा, लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए तो पोजिशन थोड़ा ना, वो तो फंक्शनल है, वो फर्स्ट थर्ड चेन आइसोमर, फर्स्ट थर्ड चेन, यस चलेगा, क्योंकि हमें पता है आपने यहाँ पे पेरेंट चेन में दो कार्बन है, यहाँ पेरेंट चेन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन है, तो भैया ये सब सही है, बस सी वाले में गड़बड़ है, क्योंकि इसमें पोशन की जगह फंक्शन आना चाहिए। अगला पूछा है इसमें से कौन सा है जो आइसोमर नहीं होता, तो भैया फटाफट डेफिशिएंसी चेक कर लेते हैं, डेफिशिएंसी इसकी दो आ रही है, इसकी दो आ रही है, इसकी दो आ रही है, इसकी तीन आ रही है, जिसकी डेफिशिएंसी डिफरेंट होती है वो आइसोमर नहीं होता है, तो कहानी खत्म, आपका आंसर दे लिया आना चाहिए। पॉसिबल नंबर ऑफ एल्काइन पूछा है, द फॉर्मूला C5H8, तो भैया एल्काइन देखते ही आपके दिमाग का ढक्कन खुल जाना चाहिए, डेफिशिएंसी पक्का यहाँ पे दो ही आ रही है। अब आपको एल्काइन बनाना, तो बैकबोन एकदम तैयार रखिए, बैकबोन का मतलब एल्काइन यहाँ पे बना सकते हो, एल्काइन बीच में बना सकते हो, एक बार साइड में बना सकते हो, बस ये तीन ही ऑप्शन बनेंगे। कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग जरूर लगाएंगे, सर हमारी आंखों से देखो बेटा वो बटन है, आपकी आंखें कहाँ हैं, ये मत करके आना कार्बन क्लियरेंसी गड़बड़ा जाएगी, ये मत करके आना कार्बन क्लियरेंसी गड़बड़ाएगी, कुछ तो कलाकार यही करके आ जाएंगे, ढक्कनों ऐसे बनाओगे तो कैसे चलेगा, वैलेंसी सिक्स नहीं कर सकते, आप कहाँ से पक्का थ्री आना चाहिए। ओके ठीक है।